देखिए ये हमारी फेमस बंगाली खस्ता गजा तैयार हो चुकी है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर भी है और खाने में भी उतनी मीठी और सुंदर लगती है और बहुत टाइट भी है। इसको देखिए बहुत टाइट है ये, और इसको हम किसी भी फेस्टिवल में खा सकते हैं। इस रेसिपी को चलिए हम आसान तरीके से बनाना सीख लेते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल डिलीशियस के साथ इसी तरह के डिलीशियस फूड पाने के लिए। तो हमारी फेमस बंगाली खस्ता गोजा को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 चम्मच घी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/2 कप चीनी, 2 इलायची का पाउडर और गोजा को तलने के लिए तेल। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप में जो हमने मैदा लिया था उसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है और इसमें थोड़ा सा हमें 1 या 2 चुटकी बेकिंग सोडा मिला लेना है और जो हमने इलायची का पाउडर बनाया था वो थोड़ा सा देना होगा। और घी हमें 2 चम्मच या 1.5 चम्मच तक दे देना पड़ेगा, 1 से 1.5 चम्मच। फिर इसको अच्छे से हमें मिलाना होगा। देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसको इसका टेस्ट अच्छे से बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा नमक दे दिया है। और अब इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना पड़ेगा, लेकिन इसको गूंथते समय ये एक बात ध्यान रखना होगा कि इसे टाइट गूंथना है, एकदम नरम नहीं करना है। जितना आप टाइट गूंथेंगे वो उतना ही अच्छा से खस्ता बनेगा। हमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। इसको हम जल्दी से गूंथ लेते हैं। तो देखिए मैंने आटा को अच्छी तरह से गूंथ लिया है, लेकिन ये बहुत टाइट भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। इस तरह से इसको गूंथना है देखिए, ताकि ये तभी ये खस्ता बनेगा। और गूंथ लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें ढक कर रख देना है 20 मिनट के लिए। तो हमें अब गैस को ऑन कर लेना है और इसका फ्लेम एकदम मीडियम में रखना है, तेज नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। तो इस चाशनी को बनाने के लिए 1 कप चीनी लिया था, उसको डाल देना है और इसमें 1/2 कप पानी देना है। ये मैंने 1/2 कप ही पानी दिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस चाशनी को बना लेना है। तो देखिए चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक पकाया है। तो देख रहे हैं पता चल रहा है कितना गाढ़ा है ये, और इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तार बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये अब हो चुका है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। इसे हमें हाथ से अच्छी तरह से फैला लेना है और इस तरह से करके इसको बेलना है अच्छा से। इसको हो जाने के बाद अब इसको अच्छी तरह से उसको मोड़ लेना है। मोड़ लेने के बाद इसको हमें फिर से बेलना है। देखिए फिर से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमको फोल्ड करना है ताकि इसमें अच्छी सी लेयर आए और इसको हम अच्छे से तले तो एक सुंदर सा खस्ता गोजा बने। फिर से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमें ये स्टेप 5 से 6 बार करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये लेयर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसका हम अच्छे से नाइफ से कटिंग करेंगे। तो पहले इसको हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। इसका छोटा छोटा पीस करना है ताकि ये खाने में और भी अच्छी लगे और दिखने में भी अच्छी लगे।
तो देखिए ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस इसके करने हैं। बन चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको हम लोग रख देते हैं। अब ये जो दूसरा हमारा बचा हुआ है इसको भी हम लोग तैयार कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने दूसरे वाले को भी अच्छी तरह से बेल लिया है। अब उसको ठीक उसी तरह से ही हमें इसको बेल लेना है और इसको अब रख देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से हल्के आँच में तलेंगे। तो हमें लो फ्लेम पर ही इस तेल को गर्म करना है। तो चलिए तेल गरम हो चुका है और अब इसको हम इसमें डाल देते हैं सबको एक साथ। हम लोग अच्छी तरह से तल लेंगे। इसे हमें धीमी आंच में ही तलना है और थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने आया है। इसको अच्छी तरह से उलट पलट कर ही हमें तलते रहना है, नहीं तो एक साइड से ये जल जाएगा। इसे हमें अच्छी तरह से पलटते रहना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमें इन्हें तुरंत चाशनी में दे देना है। तो हम बंद कर देते हैं गैस को। इसको अच्छी तरह से छान के चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी में हमें इसे डालकर अच्छी तरह से हिला डुला लेना है। इसको अच्छी तरह से हिला डालना। देखिए मैंने इसे 10-15 मिनट तक रखा है तो ये ठंडा हो गया है और चीनी इसके ऊपर पूरा तरह से लग गया है और बहुत ही कड़े भी बने हैं एकदम। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है और ये कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। खाने में बहुत ही मीठा होता है। आप इसे होली में, दिवाली में कभी भी खा सकते हैं। जो फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं किसी भी फेस्टिवल में आप इसको बना सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह की रेसिपीज पाने के लिए हमारे चैनल डेलीशियस को सपोर्ट करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल ताकि आपको अच्छे अच्छे खाने इसी तरह से फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने नज़दीक।